नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पीके गुरुजी में। आज के अपने इस वीडियो में हम एक मैथ का प्रश्न डिस्कस करने वाले हैं। तो जिस प्रश्न की हम बात करने वाले हैं, पहले उस प्रश्न को देख लेते हैं। तो प्रश्न हमारा क्या है, प्रश्न है कि 7 लगातार संख्याओं का औसत 29 यानी कि 29 है, तो सबसे बड़ी संख्या क्या होगी। उसने कहा है कि 7 संख्याएं हैं जो कि कैसी हैं, लगातार क्रम में है, यानी पूरा जितनी भी सीक्वेंस में है। तो हमने पहली संख्या को मान लिया कि क्या है, x है। अब इसके बाद दूसरी क्या होगी, क्योंकि संख्याएं कैसी हैं, लगातार हैं, तो दूसरी हो जाएगी x प्लस 1, फिर x प्लस 2, x प्लस 3, x प्लस 4, x प्लस 5 और x प्लस 6। तो ये 7 संख्याएं हो गई जो कि लगातार है। अब इन्हीं संख्याओं का औसत उसने कितना दिया है, 29 दिया है। तो औसत का फॉर्मूला आपको याद रखना है, औसत का एक ही फॉर्मूला होता है, कुल योग बटे कुल संख्या। ठीक है, जो हमारी ये 7 संख्याएं हैं इन सभी को जोड़ देंगे और 7 का भाग लगा देंगे तो औसत निकल आएगा। औसत हमको दिया गया है, कितना दिया गया है, 29। तो हमने 29 लिख लिया, इन सभी को जोड़ना पड़ेगा। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 एक्स कितने हैं, 7 एक्स हैं। अब 1 और 2 3 और 3 6 और 4 10 और 5 15 और 15 और 6 21। तो यहाँ पर लिख देंगे 21, यानी इन सभी संख्याओं का योग कितना है, 7x+21। और संख्याएं कितनी हैं, संख्याएं 7 हैं। यहाँ पर 29 ज्यों का त्यों लिखा रहेगा। अब यहाँ से 7 कॉमन निकल आएगा, तो यहाँ से बचेगा x और यहाँ से बचेगा 3, और बटे में तो 7 था ही, तो इस 7 से इस 7 को हम काट देंगे। यहाँ से बचेगा 29, अब यहाँ प्लस का 3 था, इस साइड उसको भेज देंगे तो माइनस का 3 हो जाएगा और यहाँ x हो जाएगा। तो x की वैल्यू कितनी निकल के आएगी, 29 में से 3 जाएंगे तो 26 निकल के आएगी। ये क्या है, x की वैल्यू है, ये अभी हमारा आंसर नहीं है। x की वैल्यू कितनी है, 26। ठीक है, x की वैल्यू 26 निकल के आई, तो संख्याएं क्या होंगी, 26 से 27, 28, 29, 30, 31 और जो हमको निकालना है वो कितनी होगी, 32। ठीक है, तो सबसे बड़ी संख्या क्या निकल के आएगी, सबसे बड़ी संख्या निकल के आएगी 32। अब ये तो हमने इसको समझा लगाने वाले तरीके से, शॉर्ट तरीके से और एक बार को समझ लेते हैं। ठीक है, शॉर्ट तरीका क्या है, कितनी संख्याएं थी, 7 संख्याएं थी, हम 7 गोले बना लेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। ये हमारे 7 गोले बन गए। अब 7 लगातार संख्याएं हैं तो इनका औसत किस में रहेगा, इनका औसत बीच वाला रहेगा, यानी जो बीच का गोला रहेगा वही इनका औसत होगा, और वो कितना था, वो था 29। ठीक है, अब हमें बीच की संख्या पता चल गई, हमें सबसे बड़ी निकालना है, तो आगे बढ़ जाएंगे, 29 के बाद 30, 31 और 32। ठीक है, तो शॉर्ट तरीके से ऐसे हम लगा सकते हैं और फाउंडेशन तरीके से हम इसको ऐसे लगा सकते हैं, तो दोनों तरीके आपको आना चाहिए। ठीक है, तो आपने देखा कि 7 लगातार संख्याओं का औसत आया था 29, तो सबसे बड़ी संख्या निकल के क्या आ गई, 32। तो ऐसे ही नॉलेज बढ़ाने वाले वीडियो देखने के लिए जुड़े रहिए आपके अपने चैनल पीके गुरुजी के साथ। नमस्कार।